ट्रैक्टर मॉडल से जी। आप जी देखो एक और वीडियो आई है, ये आई है 2 दिन बाद। ठीक है देखा भाई गेमिंग साइड वाले की है भाई, देखा क्या कड़ा क्या नहीं। टाइम टू स्विच टू Amazon Pay UPI, गेट गारंटीड रिवॉर्ड्स डेली इन एड डॉक पे पैसे आ गए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग ऐसे फार्मिंग सिमुलेटर 23 के ऊपर बात करेंगे। आखिर क्यों ना करें भाई, फाइनली इतनी देर का इंतजार करने के बाद ये गेम जो है वो जायंट सॉफ्टवेयर वालों ने अनाउंस कर दी है। तो अब तो ढेर सारी वीडियोस बनती हैं इस गेम के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है फार्मिंग सिमुलेटर 23 में आने वाली क्रॉप्स के ऊपर। और आई नो कि आप लोग जानते होंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखाऊंगा कि उनके टेक्सचर कितने ज़्यादा चेंज हो गए हैं, ताकि आप भी मेरी तरह उनको देख के कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि ये क्या यार, ये तो वीट जैसी लगती है लेकिन निकली ये बाहर ले। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ फार्मिंग सिमुलेटर मोबाइल का एक्सक्लूसिव कंटेंट। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट है, ये है बादले का। तो बादले का टेक्सचर आप देख सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले नोटिस करी है वो ये है कि फार्मिंग सिमुलेटर 20 के मुकाबले में बादले के टेक्सचर जो है वो, उसको देखते हुए स्क्रीनशॉट को देखते हुए ऐसा लगता है कि क्रॉप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस हैं। एक मतलब एक जो पौधे हैं फसल के वो एक दूसरे के करीब करीब जुड़े हुए हैं, जबकि फार्मिंग सिमुलेटर 20 में क्या था कि वो ऐसा लगता था कि यार दूर दूर मील मील पे जो है वो एक एक प्लांट खड़ा है। सो इसे दो चीज़ें तो मतलब माइंड में आती हैं कि शायद इस बार जायंट सॉफ्टवेयर वालों ने गेम को कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमाइज कर दिया, जो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने पौधे जो है वो साथ साथ जोड़ दिए। तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी प्लांट, हर पौधे को रेंडर करने के लिए मेमोरी यूज़ होता है। तो अगर इतने क्लोज क्लोज प्लांट्स लगे होंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो करा है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और दूसरा मेजर चेंज मैंने नोटिस करा है कि देखो आप हार्वेस्टर फील्ड हार्वेस्ट कर रही है तो उसके नीचे से फील्ड जो है वो ज़मीन जो है वो मिट्टी जो है वो येलो येलो हुई पड़ी है। एक तो स्ट्रा की ढेरी लगी है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो उसके नीचे से फील्ड है वो भी येलो येलो हुआ पड़ा है। और फार्मिंग सिमुलेटर 20 में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो देखने को मिल रहा है कि फील्ड जो है वो येलो येलो हुआ है, जैसे कि उसके ऊपर किसी ने पतला पतला सा जो है वो स्ट्रा जो है वो फेंक दिया है, फैला दिया है। सो ये भी एक मेजर चेंज है। इसको टर्म यूज़ करते हैं हम जो स्ट्रा एड ऑन, इसको स्ट्रा एड ऑन के नाम से फार्मिंग सिमुलेटर 17 में बेसिकली एक मोड आया था, तो उसमें ये बेसिकली अफेक्ट आता था कि जब आप क्रॉप को हार्वेस्ट करते हो तो ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो नीचे से स्ट्रा जो है वो फैल रहा है। ठीक है, तो ये अब अफेक्ट जो है फार्मिंग सिमुलेटर 23 में भी मिलेगा। नाइस एडिशन टू डिटेल, मतलब अटेंशन टू डिटेल वाला एक जो है वो सीन लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर गाइस हम बात करें अगली क्रॉप की तो वो है कनोला। तो कनोला के टेक्सचर में भी आप देख सकते हैं कि खासा ग्रेजुअल चेंज है। तो जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और लग रहे हैं मुझे, लेकिन इस बार अगर हम स्पेसिंग की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कनोला जो है ना लाइंस में प्लांट किया गया है। और स्पेसिंग वैसे तो देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है फील्ड के अंदर, लेकिन उसकी रीज़न शायद यही है कि जो क्रॉप है उसको लाइंस में ऐसे लग रहा है, इफेक्ट मिल रहा है कि जैसे है ना ड्रिल के साथ लाइनों में लगाया गया है, तो उस वजह से थोड़ी सी जो है वो एक से दूसरी रो में जो है वो हमें स्पेसिंग मिल रही है। दिखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक काफ़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है डेवलपर्स की, कि एक इसके दो फायदे होंगे। एक तो उनको ज़्यादा डेंस क्रॉप प्लांट करेंगे, क्योंकि कनोला जो है वो ऑब्वियसली बारले से ज़्यादा डिटेल्ड मॉडल है इसका, कनोला का। तो ऑब्वियसली उन्होंने इसको थोड़ा सा कम फासले पे प्लांट करना था, तो लेकिन ये लाइनों वाला आइडिया किसने कमाल का निकाला है। इससे ये एक उनको गैप भी देने को मिल रहा है, और पूरी भी नहीं लग रही, ऐसे भी नहीं लग रहा कि यार ये मील मील के ऊपर जो है वो पौधे जो है वो लगे हुए। सो अगर हम अगले टेक्सचर की बात करें, अगला टेक्सचर हमारे पास कॉटन का आता है, तो मुझे इसमें कुछ खास चेंज नहीं लगा। हाँ ये ज़रूर लग रहा है कि थोड़ा सा एचडी लग रहा है, ज़्यादा डिटेल लग रहा है, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का सीन हो। और ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट तो की होगी जैसे सॉफ्टवेयर वालों ने, तो टेक्सचर थोड़ा सा इम्प्रूव लग रहा है मुझे कॉटन का। नेक्स्ट अगर हम क्रॉप की बात करें तो वो ग्रास है। सो ग्रास का टेक्सचर भी एक ग्रेजुअल चेंज मेरे को तो देखने को मिल रहा है ग्रास में, और मुझे ये लग रहा है कि फार्मिंग सिमुलेटर 23 में ग्रास के टेक्सचर दो तरह का होगा। एक वो ग्रास होगा जो नेचुरली
उगा हुआ होगा पहले से ही पहाड़ों वगैरह पे या मेडोज वगैरह में, और एक वो टेक्सचर होगा ग्रास का जो हम खुद से प्लांट करेंगे, तो दोनों का टेक्सचर जो है वो उसमें फ़र्क होगा। सो फार्मिंग सिमुलेटर 22 जो पीसी वाली गेम है उसमें तो तकरीबन यही कंडीशन है, तो मेरे ख्याल से फार्मिंग सिमुलेटर 23 में भी शायद हमें ऐसे कुछ देखने को मिले, और ये कि मतलब पहाड़ों के ऊपर जो ग्रास नेचुरली उगा होगा उसका टेक्सचर अलग से होगा, और जो हम खुद प्लांट करेंगे उसका टेक्सचर जो है वो अलग से शायद हमें देखने को मिले। सो गाइस अगर हम अगली क्रॉप की बात करें तो अगली क्रॉप होती है हमारे पास सामने आती है वो कॉर्न की। तो कॉर्न के क्रॉप्स जो हैं प्लांट्स उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग देखने को मिल रही है, मतलब प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फासले से जो है नज़र आ रहे हैं जब हम करीब से देखें, लेकिन जो पीछे वाला फील्ड है उसको अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंस लग रहा है। सो इसके ऊपर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जो करंट स्टेज है इसमें मुझे लगता है कि कॉर्न जो है वो फुल्ली ग्रोन अप नहीं हुई, मतलब रेडी टू मतलब अभी ग्रो कर रही है, और क्योंकि यहाँ पे फॉरेज हार्वेस्टर लगी है तो आपको पता ही होगा कि आप चाफ जो है वो कॉर्न से ग्रोइंग स्टेज में भी बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई उन्होंने जो है वो फुली ग्रोन क्रॉप का जो टेक्सचर हमें शो नहीं करवाया, और साथ में आप फेंट की कटाना हार्वेस्टर जो है वो भी देख सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और गाइज नेक्स्ट अगर हम क्रॉप की बात करें तो वो है ओट। ओट का टेक्सचर भी जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी डेंस लग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है फार्मिंग सिमुलेटर 20 के ओट के टेक्सचर की तरह, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा जो है वो चेंज नज़र नहीं आया। इस तरह से अगर हम बात करें तो अगला टेक्सचर जो है वो शुगर बीट का है, तो शुगर बीट का आप टेक्सचर देख सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज लगा है इसमें, और लीव्स जो है वो ज़्यादा डिटेल हैं, और कुछ पार्ट जो है वो शुगर बीट का वो ज़मीन के ऊपर से भी नज़र आता है। आपको पता है कि शुगर बीट एक रूट क्रॉप है, मतलब ये ज़मीन के अंदर होती है, सो लेकिन गुड थिंग कि थोड़ा थोड़ी सी जो है वो ज़मीन के ऊपर भी नज़र आ रही है, लेकिन मुझे इसके लीव्स जो है वो थोड़े से डिटेल लग रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 20 के मुकाबले में। अब नेक्स्ट टेक्सचर जो है वो वीट का टेक्सचर है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छा खासा अपने आप को कन्विंस करना पड़ा कि जो मैं देख रहा हूँ वो वीट की क्रॉप है, क्योंकि मुझसे ये पहचान ही नहीं जा रही थी बिल्कुल, और मतलब इतना ज़्यादा इसमें ग्रेजुअल चेंज कर दिया गया है वीट के टेक्सचर में, और मुझे नहीं पता ये अच्छा टेक्सचर है या बुरा टेक्सचर है, बट हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फार्मिंग सिमुलेटर 20 के मुकाबले में। नेक्स्ट जो क्रॉप मुझे नहीं लगता कि जिसका टेक्सचर सारा सा भी चेंज हुआ है वो है सनफ्लावर, और सनफ्लावर का टेक्सचर जो है वो आप देख सकते हैं, मुझे लगता है ये प्रीटी मच सेम ही है फार्मिंग सिमुलेटर 20 के जैसा, हो सकता है इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर दी हो, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी सिमिलर लगता है फार्मिंग सिमुलेटर 20 का। सूरजमुखी आए तो अगला जो टेक्सचर है वो है जी, अगली जो क्रॉप है वो है जी सोयाबीन। सोयाबीन्स का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एट दिस मोमेंट मुझे अगर कोई पूछता है कि ये कौन सी क्रॉप है तो मैंने अच्छा खासा कंफ्यूज हो जाना था, क्योंकि इतना ग्रेजुअल चेंज जो है वो सोयाबीन्स के टेक्सचर में आ चुका है, तो ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज है और डिटेल लग रही है। वीट के मुकाबले में थोड़ी सी डेंसिटी इसकी कम लग रही है, बट ऑब्वियसली जब आपको पता है कि इतने जितना डिटेल प्लांट होगा मेरे ख्याल से डेंसिटी उसकी उतनी ही कम कर देंगे जायंट सॉफ्टवेयर वाले। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो पोटैटोस के टेक्सचर की, तो वो भी मेरे ख्याल से थोड़े से इम्प्रूव्ड हुए हैं इस बार, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो लग रहे हैं इस बार पोटैटोस के फील्ड के जो है वो क्रॉप के जो है टेक्सचर, और आप देख सकते हैं कि ये भी रोज़ के ऊपर ऐसे लग रहा है कि प्लांट किए गए हैं, और वैसे भी पोटैटोस मेरे ख्याल से रोज़ के ऊपर मतलब लाइनों के ऊपर खेलियों के ऊपर ही प्लांट करते हैं। तो गाइस जब हम बात करते हैं न्यू क्रॉप्स के टेक्सचर के ऊपर, तो सबसे पहले जो न्यू क्रॉप के टेक्सचर की हम बात करने वाला हूँ वो है सोरगुम। सोरगुम का जो है वो टेक्सचर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त जो जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, तो सोरगुम की ये क्रॉप जो है वो रेडी टू हार्वेस्ट लेवल पे है, मतलब पकी हुई क्रॉप की ये जो है वो तस्वीर आपको नजर आई, तो जब ये क्रॉप पक जाएगी तो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। फन फैक्ट यह है कि सोरगुम को जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ ऊपर से थोड़ी थोड़ी ये जो इसकी डंडियां सी बनी हुई हैं सिर्फ यही जो है वो हार्वेस्ट होती हैं, बाकी की क्रॉप वैसे ही येलो येलो सी जो वो खड़ी रहती है। तो इसको अगर आप हार्वेस्ट कर लो और बाद में आके देखो तो आपको लगेगा कि शायद ये वीट यहाँ पे प्लांट की हुई है, लेकिन वो बेसिकली सोरगुम होगी जिसको आप हार्वेस्ट कर, मतलब ये बाकी वीट की तरह बिल्कुल गायब नहीं होती, ये वहीं पर खड़ी रहती है और उसके बस ये डंडियाँ सी जो हैं ये ऊपर से गायब हो जाती है जब आप इसको हार्वेस्ट करते हैं। जो नेक्स्ट न्यू
लैपटॉप का टेक्सचर है वो है जी ऑलिव्स। ऑलिव्स का ये छोटे छोटे प्लांट हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे एट दिस स्क्रीनशॉट। इन दिस स्क्रीनशॉट जो क्रॉप नज़र आ रही है वो रेडी टू हार्वेस्ट है, मतलब उसके ऊपर आपको ये काली काली सी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये बेसिकली ऑलिव्स लगे हुए हैं और ये बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट हैं और हार्वेस्टर जो है वो प्रॉबेबली इनको हार्वेस्ट भी कर रही है। और अगली जो क्रॉप है वो भी इसके सिमिलर ही है, वो है ग्रेप्स की। ग्रेप्स आपने फार्मिंग सिमुलेटर 22 में तो काफ़ी देख रखी होगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाइन्स हैं पहले अंगूरों की उनके ऊपर लच्छेदार अंगूर जो है वो लटक रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जो है वो लग रहे हैं ये। और यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में भी ये क्रॉप बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट है और हार्वेस्टर जो है वो इसमें खड़ी हुई है, हार्वेस्टिंग जो है वो कर रही है। सो ग्रेप्स जो है वो भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं एक सरप्राइज क्रॉप की जो कि किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं की है अभी तक, लेकिन हाँ ये क्रॉप जो है वो फार्मिंग सिमुलेटर 23 में जो है वो आ रही है और इस क्रॉप का नाम है ऑयल सीड रेडिश। आपने यकीनन इसका नाम पहले नहीं सुना होगा और अगर सुना भी है तो शायद आपको पता हो, लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना भी नहीं होगा और उनको पता भी नहीं होगा कि ये फार्मिंग सिमुलेटर 23 में ये वाली क्रॉप जो है आ रही है। सो गाइज इस क्रॉप को ऑयल सीड रेडिश बोलते हैं और ये बहुत ही डिफरेंट क्रॉप है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आप इसको प्लांट तो करते हो लेकिन आप इसको हार्वेस्ट नहीं कर पाते। ये बेसिकली आप प्लांट करते हो अपने खाली फील्ड के ऊपर और इसको आपने बेसिकली बाद में कल्टीवेट करना होता है फील्ड के ऊपर ही। तो ये बेसिकली एक फर्टिलाइज़र है, नेचुरल फर्टिलाइज़र है। सो आप इसको प्लांट करके इसके ऊपर से कल्टीवेटर जो है वो चला देते हो तो ये डिकम्पोज हो के जो है वो आपके फील्ड की फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है वो आपके फील्ड में काम करती है और आपके फील्ड की जो है वो फर्टिलिटी इनक्रीज़ करती है। सो ये क्रॉप जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग जब प्लांट करेंगे वो कहेंगे कि यार ये क्या, ये कौन सी क्रॉप है, ये ना तो उग रही है ना हार्वेस्ट हो रही है, ये क्या है ये। ये हो सकता है कि काफ़ी लोग इससे जो है वो कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपका भाई यहाँ पे है, आपने वीडियो देख लिया तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आप फर्टिलाइज़र बाय नहीं करना चाहते तो आप ये वाली क्रॉप जो है वो प्लांट कर लीजिएगा अपने फील्ड के ऊपर और फिर इसको जब ये रेडी टू हार्वेस्ट रेडी हो जाएगी तो आपने इसके ऊपर चला देना है कल्टीवेटर और आपके फील्ड को जो है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। सो गाइस इनमें से आपको कौन सी क्रॉप सबसे बेस्ट लगी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और हाँ एक बार फिर याद से वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।